So recently, we have published an article on Bank Nifty. अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, फिनकर्मा के ट्विटर हैंडल पे आप जाके पढ़ सकते हैं. एंड द आइडिया ऑफ दैट आर्टिकल इज़ टू एक्सप्लेन हाउ इन लॉन्ग रन बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू परफॉर्म. सी आई मेक कैजुअल वीडियोज, सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच प्रोफेशनलिज्म बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड नॉइजेज. सो इट्स जस्ट एनालिसिस थिंग. तो इफ़ आई हैव टू एनालाइज बैंक निफ्टी, तो मैं सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करूँगा कि गो रीड दैट आर्टिकल ऑन बैंक निफ्टी, हाउ वी आर एंटिसिपेटिंग, व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग. सो कंटिन्यूइंग दिस विद द गैप थिंग, अगर आपको याद होगा जो अभी मैंने रिसेंट निफ्टी वीडियो में भी जस्ट बनाया वीडियो, उसमें ये समझाने की कोशिश की है और बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से कि गैप इज़ द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ट्रेंड. वीकली गैप अगर बन रहा है तो यू शुड नॉट फोकस इग्नोर इट, और स्पेशली व्हेन इट फॉर्म्स नियर एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट लेवल. सो इन दिस केस इफ़ यू विल सी, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन लेवल विच फ्रॉम यहाँ से एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई. फाइनली गैप से हुआ और फिर फाइनली ट्रेंड की शुरुआत हुई. उसके बाद अगर हम देखें तो फ़िलहाल यहाँ पे बैंक निफ्टी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा कि डोजी डोजी तो दिस वाज एन वेरी इम्पोर्टेंट. ये डबल डोजी का कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. मेरे पब्लिक चैनल में पीडीएफ पोस्ट किया हुआ है, कई बार इस पे हमने बात की है. तो डबल डोजी क्या होता है? डबल डोजी होता है या तो रिवर्सल आ सकता है या तो स्ट्रॉन्ग वीकली पे स्पेशली अगर बन जाए तो आप समझ लो ट्रेंड की शुरुआत हो गई, अगर ब्रेकआउट हो गया फ्रेश ट्रेंड की. तो यहाँ पे भी लास्ट वीक बैंक निफ्टी में यही सिग्नल दिया कि दिस वाज अ शूटिंग स्टार. अभी अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मैं इसमें जो बोलने वाला हूँ. अभी जस्ट मैंने वीडियो में बोला है कि रिवर्सल, ये मेरे को सडन स्ट्राइक किया तभी मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूँ, कि मैंने अभी जस्ट वीडियो में बोला है कि रिवर्सल कैंडल नीड कंफर्मेशन. अगर नीचे क्लोज हो जाता तो ट्रेंड बदल जाता, जैसे इसने क्लोज दे दिया तो यहाँ पे आया कि अब प्राइस रिवर्स कर सकता है, क्लोजिंग नीचे दे दिया. बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वीक? इमीडिएटली रिवर्स्ड. तो अगर इमीडिएटली रिवर्स कर रहा है तो लेट से हम इसे ब्रेक करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है. अभी मैं तीन चार कंसेप्ट को एक साथ मिक्स करने वाला हूँ. तो कंसेप्ट नंबर वन कि हमने वीकली पे ये तो देख लिया, बट अगर आप फ्राइडे को देखोगे, इस फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ था और हैमर के साथ साथ आप इसको बोल सकते हो बुलिश हरामी हैमर. तो हरामी कैंडल रेड कैंडल के बीच, अब ये बुलिश हरामी कहाँ बना? ये बना आपको सम 0.5% पे. सो ये बना आपको 0.5% पे. तो ये एक सिग्नल था कि फ्राइडे को जो आप सिर्फ कैंडलस्टिक इज व्हाट पैटर्न्स आर, एक आपको कॉमन सेंस से बड़ा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में. आपको कॉमन सेंस और कैंडल्स को रीड करने भी आना चाहिए. समटाइम्स वीकली कैंडल अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप डेली कैंडल से क्लू ले सकते हो. तो हियर इट गेव द क्लू कि डोंट बी शॉर्ट बिकॉज द प्राइस एक्शन सजेस्ट अ रिवर्सल. सो दीज वर द रिवर्सल साइंस. अब क्या है कि क्या किसी को पता था कि फ्राइडे को कि मंडे को प्राइस ऊपर चला जाएगा? पता किसी को नहीं होता है, बट हम एनालिसिस ऐसे करते हैं कि ये जो डोजी था, ध्यान से देखिएगा, ये डोजी हाई और ये लो. ध्यान से, दिस लो आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस हैज़ बीन टेस्टेड, विक विक फेल्ड. नाउ वाई दिस लो? दिस इज़ अ हैमर ड्रैगन आयरन फ्लाई, सॉरी बुलिश हरामी हैमर मैं बोल रहा हूँ.
हैमर सबसे अच्छा काम कब करता है? एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक आया, पुल बैक में अगर हैमर बना तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो यहाँ बना हैमर, और भी बहुत एनालिसिस पैरालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एंकर्ड भी वेब, वो भी इसे फॉलो कर रहा था। तो अगर हम देख रहे हैं कि इसको तोड़ेगा तो ये सिग्नल है कि ऊपर जाएगा। और भी एनालिसिस पैरालिसिस कर लेते हैं कि इफ़ आई एम गोइंग टू मेक लाइक दिस, तो अगर इसको तोड़ेगा तो ये क्लियर है कि हम बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं कि फिर हम देखेंगे इस टारगेट को, मतलब इसके ऊपर ये आएगा ही आएगा आएगा ही आएगा, गलत वर्ड है, आना ही चाहिए ऐसा बोलना चाहिए। क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल ऊपर, झटका आया, झटका डज इट मीन रेड कैंडल? मैंने इनर सर्कल में बोला भी था कि रेड कैंडल डजेंट मीन यू शुड सेल, और ऐसा ही हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे गया, ब्लास्टेड। अब उसके बाद क्या क्या ये डोजी या शूटिंग स्टार है? अगर है तो हमें कब एक्ट करना चाहिए? पहली बार, अब वीकली क्लोजिंग दे रहा है तो वीकली देखेंगे, तो वीकली इट वाज नॉट वीक। अभी हमें सिंपल सा रेजिस्टेंस ढूंढना है, वेयर इज़ द रेजिस्टेंस। तो जैसे हम रेजिस्टेंस देखते हैं, एक्सटेंशन यूज करेंगे यहाँ से ट्रेंड की अगर शुरुआत हुई तो मैं बोलता हूँ, अगर हमने पहले कन्फ्यूज़न यहाँ पर आएगा लोगों को कि हम इसे लें या इसे लें, तो मैं दिखाता हूँ आपको आपको क्या लेना चाहिए। जब आप यहाँ से एक छोटे ट्रेंड देखोगे तो ये पूरा रिट्रेस हो चुका, तो ये वन साइडेड ट्रेंड आया था, तो मैंने यहाँ पे इसे लिया बॉटम। आप इसे भी ले सकते हो, बट मैंने इसे लिया, ये आपको रिट्रेस बराबर किया। तो अब मैं जो लूँगा दिस लो दिस हाई और दिस लो, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आया था हमने यहाँ पे कहीं बना लिया होगा, तो यहाँ पे प्राइस 61% पे रुका। आई सॉ दिस, मैंने पोस्ट भी डाला था, नीचे आया ऊपर गया। सेकंड टारगेट 46,693 जो अल्टीमेट टारगेट है। तो वी हैव अल्टीमेट टारगेट इन बैंक निफ्टी विच इज जस्ट हाउ मच पॉइंट, विच इज जस्ट 1.37% अप फ्रॉम रिसेंट लेवल, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो विच आई बिलीव कि कल ही आ सकता है अगर आना होगा तो। सो आर टारगेट स्टॉप लॉस इज डिफाइंड व्हेन वी विल गो बेयरिश। एक ये भी तो हो सकता है कि हमें भी आईसीआईसी के चार्ट को देख के एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, तो गलत अगर होना होगा तो गलत सही नहीं है कि हम ट्रेंड पकड़ लेंगे, अगर गलत होंगे तो हम पकड़ लेंगे ट्रेंड। 100-125 पॉइंट मिस होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बट ट्रेंड अगर पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा। लेट से अगर मैं गलत हो गया तो द मोमेंट दिस विल ब्रेक दिस लो आई विल गो शॉर्ट। व्हाट विल बी माई टारगेट? माई टारगेट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट सिंपल, ये रहेगा, ये टारगेट रहेगा आपका। इनफैक्ट उससे भी ज़रूरी होता है, उस उतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मतलब इनफैक्ट आप इसी इस बेसिक कैंडलस्टिक को फॉलो करोगे तो यही आपका टारगेट होगा। और ट्रेंड कब बदलेगा? ट्रेंड बदलेगा जब इस लो को कट करेगा। तो दिस इज़ नाउ योर बेस, ट्रेंड इज़ अप, पुल बैक शुड बी यूज्ड एज गैप डाउन। अच्छा, बार बार हम बोलते हैं कि बाय ऑन डिप, तो बाय ऑन डिप का मतलब क्या होता है? बाय ऑन डिप का मतलब हो ये एक बेस्ट केस में यहाँ पे मैं ये समझा सकता हूँ कि आपने मान लो किसी कारण से गैप डाउन हो गया कल और आपका ट्रेंड ऊपर आपको दिख रहा है, तो यू हैव टू गो लॉन्ग इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग। तो अगेन समराइजिंग, आवर टारगेट इज दिस, आवर सपोर्ट इज, अभी इमीडिएट सपोर्ट इज दिस, दिस कैंडल हाई। अब इंट्राडे में बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं भी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, और फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। अगर आपका रिवर्सल आ गया, लेट से एक रिवर्सल आ गया कल, इसको तोड़ गया, तो योर टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस जोन 45,336 से ये वाला जोन। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू एक्ट।